दोस्तों फिल्म जगत एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप अपने लुक्स के दम पर तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यहां पर बने रहने के लिए आपके अंदर टैलेंट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज हम एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जो न केवल अपनी खूबसूरती की वजह से लोगों के दिलों पर राज करती हैं, बल्कि अपने टैलेंट की वजह से हर एक दिन कामयाबी की नई इबारत लिख रही हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय एक्ट्रेस और मॉडल कृति सेनन की, जिनके अदाओं के आज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैंस हैं। और दोस्तों शायद आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि एज ए एक्ट्रेस बॉलीवुड पर राज करने वाली कृति एक अभिनेत्री और मॉडल होने के साथ साथ एक इंजीनियर भी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की राइजिंग स्टार कृति सेनन की पूरी लाइफ स्टोरी को जानते हैं कि किस तरह से पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहने वाली कृति बनी एक सफल अभिनेत्री। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 27 जुलाई 1990 से, जब भारत की राजधानी दिल्ली में कृति सेनन का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम राहुल सेनन है जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उनकी माँ का नाम गीता सेनन जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है। और इसके अलावा उनकी फैमिली में उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम नुपुर सेनन है। और दोस्तों एक एजुकेटेड फैमिली में पली बड़ी होने की वजह से कृति सेनन शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी थी, और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई आर के पुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल से की। हालांकि शुरुआती समय में उन्हें एक्टिंग के अंदर कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, और फिर समय बीतने के साथ अपनी स्कूलिंग पूरी करके उन्होंने जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लिया, जहां पर वह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगी। हालांकि अभी भी कृति के अंदर फिल्म जगत में आने का कोई भी विचार नहीं आया था, लेकिन अचानक से उनका एक दिन मन मॉडलिंग के क्षेत्र में जाने के लिए तब आ गया जब उनकी बहन और उनके कुछ दोस्तों ने कृति की एक बहुत ही अच्छी फोटो देखकर उन्हें मॉडलिंग में हाथ आजमाने का सुझाव दिया। हालांकि शुरुआत में कृति सेनन थोड़ी सी झिझक रही थी, लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट से वह राजी हो गई, और फिर कॉलेज के समय से ही उन्होंने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी। हालांकि कुछ महीनों के बाद उनका कॉलेज भी खत्म हो गया था, और अब उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो कोई जॉब करनी थी या फिर मॉडलिंग में ही फुल टाइम करियर बनाना था। और फिर इस समय कृति सेनन ने मॉडलिंग में ही फुल टाइम करियर बनाने का डिसीजन लिया, और फिर इस डिसीजन के बाद से वह अपने आप को इम्प्रूव करने और इस फील्ड में कुछ बड़ा करने के लिए सपनों के शहर मुंबई चली गई। हालांकि यह डिसीजन लेना तो आसान था, लेकिन सपनों के शहर मुंबई में आकर लाखों लोग अपने आप को पहले से ही आजमा रहे थे, और जैसा कि हम सभी को पता है कि बिना किसी लिंक के यहाँ पर एंट्री पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कृति सेनन के शानदार काम और उनके जज्बे को देखते हुए उन्हें जल्द ही कुछ एडवर्टीजमेंट में काम करने का मौका मिल गया, और फिर यहाँ पर छाप छोड़ने के बाद वह क्लोजअप, वीवेल, अमूल, सैमसंग, हिमालय और बाटा जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए भी ऐड करती हुई नजर आई। और इसके अलावा उन्हें विल्स लाइफस्टाइल इंडियन फैशन वीक और चेन्नई इंटरनेशनल फैशन वीक में भी मॉडलिंग करने का मौका मिला। और फिर मॉडलिंग के क्षेत्र में उनके शानदार काम को देखते हुए उन्हें पहली बार 2014 में डायरेक्टर सुकुमार ने तेलुगु फिल्म नैनो की डीने के लिए साइन किया, और अपनी पहली ही फिल्म में वह साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के साथ काम कर रही थी। और फिर 10 जनवरी 2014 को रिलीज हुई इस मूवी में कृति सेनन के काम को खूब सराहा गया, और इसी का नतीजा था कि 2014 में ही सबीर खान की फिल्म हीरोपंती में भी काम करने का मौका मिल गया। और यह फिल्म कृति सेनन की तो बॉलीवुड डेब्यू थी ही, साथ ही उनके साथ काम कर रहे टाइगर श्रॉफ की भी यह पहली फिल्म थी, और दोनों को अगर इस इंडस्ट्री में सफलता पानी थी तो इस फिल्म का हिट होना बहुत ही जरूरी था। और फिर मूवी रिलीज होने के बाद से इस फिल्म को लोगों का भी खूब प्यार मिला, और कृति की एक्टिंग और लुक्स ने भी खूब वाहवाही बटोरी, और इस मूवी में उनके शानदार काम के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला। और फिर इसके बाद से कृति सेनन तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगी, और उन्हें दिलवाले, राबता और बरेली की बर्फी जैसे फिल्मों में भी काम मिलता गया, और अब लोग कृति सेनन की एक्टिंग और लुक्स को इतना ज्यादा पसंद करने लगे हैं कि 2019 में उन्हें 5 फिल्मों के लिए एडवांस में ही बुक किया जा चुका है, और कृति के अपकमिंग मूवीज की लिस्ट भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि कृति सेनन का करियर अभी सिर्फ शुरू हुआ है, और उनके काम को देखकर तो यही लगता है कि वो उन बुलंदियों को छूने वाली हैं जिसके बारे में उन्होंने खुद भी कभी भी नहीं सोचा होगा। उम्मीद करते हैं कि राइजिंग स्टार कृति सेनन की यह लाइफ स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।